इस वीडियो में आपको बताएंगे हम 3.1 का चौथा और पांचवा क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिए गए हैं क्वेश्चन में 2×2 अव्यूह ए बराबर ए आई जे है, ठीक है। तो यहाँ पर अव्यूह आपको बनाना है 2×2, ठीक है, यानी कि पंक्ति कितने रहेंगे 2 और स्तंभ भी कितने रहेंगे 2 रहेंगे। तो यहाँ पर हम अव्यूह किस तरीके से लिख सकते हैं, अव्यूह बराबर अव्यूह हमारा ए बनेगा, जो वो इस तरीके से बनेगा ए 11 ए 12 ए 21 ए 22। तो ये हमारा क्या है, पंक्ति है, कितने पंक्ति हैं 2 पंक्ति हैं, गुड़े स्तंभ कितने हैं 1 2। तो ये हमारा कितना 2×2 अव्यूह बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है इसमें आपको, यहाँ पर दिया गया है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, तो अलग अलग आपको हल करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो यहाँ पर ए आई जे दिए गए, आई का मतलब होता है यहाँ पर पंक्ति और जे का मतलब होता है स्तंभ, ठीक है। तो हमें ए 11 ए 12 ए 21 ए 22 की वैल्यू निकालना है सबसे पहले, उसके बाद इसमें पुट कर देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं ए 11, ए 11 इक्वल टू हो जाएगा, आई के स्थान पे क्या है 1 है और जे के स्थान पर भी 1 है, इसी में पुट कर देना है। तो 1+1 का स्क्वायर अपान में 2, तो 1+1 का स्क्वायर यानी कि 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 4 बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ गया 2, ठीक है। ए 12 निकाल लेते हैं, तो 12 निकालने के लिए यहाँ पर आई के स्थान पे क्या है 1 और जे के स्थान पे क्या है 2 है, ठीक है। और इसी फार्मूले पे रखेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर बटे का 2, तो 2 × 3 3 का स्क्वायर हो गया 9 9/2। अब क्या निकालना है, ए 21 निकालना है, ए 21 किस तरीके से निकाले, आई के स्थान पे क्या है 2 है और जे के स्थान पे है 1, तो यहाँ पर 2+1 रखेंगे और अपान का 2 और इसका ये स्क्वायर है, तो 2 × 3 3 का स्क्वायर है, ये भी कितना आ गया 9/2 आ गया। अब क्या निकालना है, ए 22 निकालना है, तो यहाँ पर 2 रखना है, यहाँ पर भी 2 रखना है, तो 2+2 का स्क्वायर अपान का 2 इक्वल टू कितना आ गया 4 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16/2 और ये आ गया 8। अब क्या करना है, सभी का मान इसी में रख देना है, अतः अव्यूह हमारा क्या आ गया, अतः अव्यूह ए इक्वल टू ए 11 का मान कितना है 2 आया है, ए 12 का मान कितना है 9/2 आया है, ए 21 का मान आया है 9/2 और ए 22 का मान आया है 8, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा पहला अव्यूह हो गया और पहला क्वेश्चन भी हो गया। अब दूसरा भी क्वेश्चन सेम यही है, 2×2 अव्यूह बनाना है, तो वही सेम है, तो आपको हम डायरेक्ट ये बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए 11 निकालेंगे, ए 11 कितना आएगा हमारा, यहाँ पर आई अपान जे है, इसी फार्मूले पे रखना है, ठीक है। तो आई के स्थान पे क्या है 1 है, 1/1, जे के स्थान पे भी 1 है, तो 1/1 कितना आएगा 1 ही आएगा। और ए 12 निकालेंगे, तो ए 12 यहाँ पर आई के स्थान पे 1 और जे के स्थान पे क्या है 2 है, तो यहाँ पर 1/2 आ गया। ए 21 निकालेंगे, ए 21 यानी कि आई के स्थान पे 2 और जे के स्थान पे, यहाँ पर जे के स्थान पे 1 है, तो 2/1 यानी कि 2 हम इसे लिख सकते हैं। ए 22 निकालना है, ए 22 निकालेंगे तो 2/2 करेंगे, तो यहाँ पर ये कैंसिल होकर कितना आ गया 1 आ गया। तो हमारा अव्यूह जो है, अव्यूह इक्वल टू सभी का मान रख देना है, तो यहाँ पर 1 और 12 का मान कितना है 1/2, 21 का मान कितना है 2 और 22 का मान कितना है 1, सॉरी यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर ये दिया गया है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j का स्क्वायर अपॉन 2। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में अव्यूह लिख देते हैं, अव्यूह हमारा जो है अव्यूह ए इक्वल टू ए 11 ए 12 ए 21 ए 22, ठीक है। अब क्या निकलना है, ए 11 निकालना है, तो यहाँ पर आई के स्थान पे 1, जे के स्थान पे 1 रखना है, तो 1+2 × 1 का स्क्वायर अपान का 2, तो 2 और 1 कितना हो गया, ये 3 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 आ गया, 9/2। अब निकालना है ए 12 इक्वल टू 1+ यहाँ पर 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर अपान 2 इक्वल टू ये 1, ये आ गया 4 4 1 5 हो गया, 5 का स्क्वायर यानी 25/2। ए 21 निकालना है, ए 21 इक्वल टू यहाँ पर आई के स्थान पे क्या रखना है 2+2 × जे के स्थान पे क्या रखना है 1 और का स्क्वायर अपान में 2, यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर भी 2 2 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर 16/2 16/2 इक्वल टू ये आ गया 8। तो अब निकालना है ए 22, तो यहाँ पर आई के स्थान पे भी 2 है और जे के स्थान पे भी 2 है, तो इसी में हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर 2+2 × 2 का स्क्वायर अपान 2,
तो यह गया 4 4 + 2 यानी कि 6 6 का स्क्वायर हो गया ये 36/2, तो ये आ गया हमारा 18। तो इस तरीके से ये हमारा अव्यूह ए इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर मान रख देना है A11 का मान कितना है 9/2, तो 9/2 यहाँ पर रखना है। उसके बाद यहाँ पर A12 का मान कितना है 25/2, और यहाँ पर A21 का मान कितना है 8 आया है, तो यहाँ पर हम 8 रखेंगे, तो यहाँ पर 8 रख दिया। उसके बाद यहाँ पर 18 है, तो यहाँ पर 18 रख देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, अव्यूह आ गया। तो आप इसे अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे पांचों क्वेश्चन भी सेम चौथे क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पर सिर्फ आपको अव्यूह जो दिया गया है ये 3 x 4 का है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं A = ये जो हमारा अव्यूह है, ठीक है। तो यहाँ पर पंक्ति कितने हैं 3 है, तो यहाँ पर पंक्ति हम 3 बनाना है हमें, A11 A12 A13, ठीक है। और स्तंभ हमें कितना रखना है 4 रखना है, तो यहाँ पर हमें 1 स्तंभ 2 स्तंभ और 3 स्तंभ, तो हमें यहाँ पर A14 भी रखना होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझना है बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पर A21 A22 A23 A24, और यहाँ पर A31 A32 A33 A34, ठीक है। ये 3 x 4 का हमारा अव्यूह है, और हमें निकालना है क्या है, ये सभी की मान हमें निकालना है। तो मान किस तरीके से निकालेंगे, A11 इक्वल टू सबसे पहले निकालेंगे 11, फिर 12 13 14, इस तरीके से सबका मान निकालना है। तो यहाँ पर हमें I के स्थान पे 1 है और J के स्थान पे 1 है, तो इसी में पुट करके हम मान निकालेंगे। और ये आपको समझना है होगा, यहाँ पर -3 × I के स्थान पे क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 ही रहेगा, और प्लस का J के स्थान पे हमारा 1 है, तो 1 हो जाएगा इक्वल टू 1/2, और यहाँ पर -2 आएगा, और मार्ट लगा है तो चिन्ह क्या आएगा, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है प्लस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर -2 आया, लेकिन वो क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया हमारा 1 आ गया, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर A12 किस तरीके से निकालेंगे, A12 इक्वल टू हमारा आ जाएगा, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं करना है, तो 1/2 यहाँ पर मॉड में -3 × I के स्थान पर 1 है, तो -3 और प्लस का 2, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया -1 - 1 है, तो ये प्लस हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो 1/2 ही रहेगा, तो ये हमारा आ गया। उसके बाद निकालना है A13 निकालेंगे, तो यहाँ पर 1/2 और मार्ड में -3 × 1 3 आएगा, प्लस का 3, ठीक है। तो ये कितना आ गया प्लस माइनस, ये 0 हो जाएगा, तो ये हमारा पूरा कितना आ गया 0 आ गया। A14 निकालना है, A14 = 1/2 मार्ड में -3 और प्लस का 4, तो ये आ गया 1 1 करेंगे तो 1/2 आएगा। और उसी आगे निकालना है हमें A21, तो यहाँ पर A21 निकालेंगे, A21 = 1/2 और मार्ड में -3 × 2 करेंगे, तो यहाँ पर I के स्थान पे 2 है, तो यहाँ पर -3 × 2 करेंगे तो -6 प्लस J के स्थान पे 1 है, तो 1 रखेंगे, ये आ गया -5 यानी 5 हो गया, 5 × 1 करेंगे तो 5/2 आ गया। A22 निकालेंगे, A22 = 1/2 मार्ड में -6 और प्लस का यहाँ पर 2 है, तो 2 रखेंगे इक्वल टू 1/2 × ये आ गया 4, तो यहाँ पर हम 4 रखेंगे और ये कट गया, तो कितना आ गया सिर्फ 2 आ गया, ठीक है। A23 निकालेंगे, तो 1/2 - 6 प्लस का 3, तो आ गया यहाँ पर -3 यानी कि प्लस हो जाएगा क्योंकि मॉड में है, तो +3 और बाई में 2 यानी कि 3/2। A24 निकालेंगे, A24 = आ गया हमारा 1/2 मॉड में -6 प्लस का 4, तो आ गया ये 2 और 2 से 2 ये कट जाएगा, तो आ गया 1। अब क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है आगे भी अभी निकालना है A31 निकालना है, तो A31 निकाल लेते हैं यहाँ पर 31 = तो 1/2 यहाँ पर I के स्थान पे क्या रखना है 3 रखना है, 3 × 3 करेंगे तो माइनस का 9 हो गया, और प्लस का यहाँ पर J के स्थान पे क्या है 1 है, तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे प्लस का 1, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 1/2, यहाँ पर माइनस का 8 ये प्लस का 8 हो जाएगा, तो 8/2 यानी कि आ गया 4। A32 = 1/2 मॉड -9 और प्लस का 2, तो आ गया -7, यहाँ पर मॉड के बाहर आएगा तो प्लस का 7 7/2। A33 = 1/2 मॉड में -9 प्लस का 3 इक्वल टू ये हो गया माइनस का 6 और मार्ड के बाहर आएगा तो प्लस का 6 6/2 करेंगे तो आ जाएगा 3,
और 834 इक्वल टू 1/2 मॉड माइनस 9 और प्लस का 4, तो यहाँ पर आ गया 5, 5/2। अब क्या करना है, सबका मान इसी में हमें पुट करके रख देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम आंसर बगल में ही लिख देते हैं इसका कि क्या आने वाला है। एलेवन, एलेवन का मान कितना है 1, 12 का मान है 1/2, 13 का मान है 0, 14 का मान है 1/2, 21 का मान है 5/2 और 22 का मान है 2 और 23 का मान है 3/2 और 24 का मान है 1, 31 का मान है 4 और 32 का मान है 7/2 और 33 का मान है 3 और 34 का मान है 5/2, 3×4 का ये हमारा अभ्यूह था। तो ये इसका हो गया आंसर। तो आगे अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन इसका जो है। तो दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पर सेम ही है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर आई जे इक्वल टू, यहाँ पर फार्मूला दूसरा दिया गया है, इसमें दूसरा था, इसमें फार्मूला दूसरा है, ठीक है। बस इतना ही आपको थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है हमें, A11, A12, A13, A14 इस सबको निकालना है, इसी में सेम यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते हैं A11, ठीक है। तो यहाँ पर रखना है हमें 2 × आई, आई के स्थान पे 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कि 2 ही रहेगा। माइनस जे के स्थान पे भी 1 है तो 1 रखेंगे, तो यहाँ पर 2 − 1 है, यानी कि 1 आ गया। A12 निकालेंगे, A12 इक्वल टू 2 − यहाँ पर जे के स्थान पे क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 − 2 यह 0 आ गया। A13 इक्वल टू 2 − यहाँ पर जे के स्थान पे 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3, यानी कि −1 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर A14 निकालेंगे, A14 यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 − 4 इक्वल टू −2 और यहाँ पर A21 जब करेंगे तो यहाँ पर i के स्थान पे क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा 4 आ गया। 4 माइनस j के स्थान पे 1 है तो यहाँ पर −1, तो यहाँ पर आ गया 3। A22 का मान आएगा 4 − 2 इक्वल टू 2 और A23 इक्वल टू ये आ गया 4 − 3, यहाँ पर 3 है तो 3, यहाँ पर 4 − 3 करेंगे तो यहाँ पर 1। A24 इक्वल टू 4 − 4 इक्वल टू ये आ गया 0। अब क्या निकालना है हमें, लास्ट निकालना है A31 इक्वल टू, यहाँ पर i के स्थान पे क्या है 3 है तो यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 × 2 जो हो जाएगा यहाँ पर 6 − j के स्थान पे 1 है तो यहाँ पर 1 रखेंगे, 6 − 1 इक्वल टू ये आ गया 5। A32 इक्वल टू यहाँ पर 6 − 2 करेंगे तो यहाँ पर 4 आ गया। A33 इक्वल टू 6 − 3 करेंगे तो यहाँ पर आ गया 3। A34 इक्वल टू हमारा आ जाएगा यहाँ पर 6 − 4 इक्वल टू आ गया 2, ठीक है। अब इन सबका मान हम कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर इस अभ्यूह में रखेंगे, तो यहाँ पर A बराबर हमारा आ जाएगा इस तरीके से, अभ्यूह हम बना लेते हैं, यहाँ पर सबका मान रख देना है 1, 0, 1, सॉरी यहाँ पर −1 है और उसके बाद −2 और A21 यहाँ पर 2 है, A21 सॉरी यहाँ पर 3 है, 3 उसके बाद 2, 1 उसके बाद 0 यहाँ पर 5 और 32 4 है, 33 3 और 34 यहाँ पर हमारा 2 है। तो ये इस तरीके से हो गया हमारा ये आंसर। तो वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा किस तरीके से हमने इतना फास्ट कर दिया, तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो 11 होता है, 12 होता है, 13 होता है, 14 होता है, इसमें आई जो है यहाँ पर 1, 1, 1, 1 सब में है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर 21, 22, 23, 24 में हमारे यहाँ पर 2, 2, 2, 2 सब में है आई के स्थान पे, तो वहां पर हमने सिर्फ यहाँ पर 2, 2, 2 सब में कर दिया, यहाँ पर इसका कर दिया तो 4, 4, 4 सब में आ गया, यहाँ पर 6, 6, 6 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमने किया, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो आएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, ठीक है।